व्लॉगिंग करो तो गोप्रो से करो, गोप्रो 9, ठीक है गाइस। अर्मेनिया है एक एशियन कंट्री, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। स्कीम कौन सी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो? अच्छा हाथ में लग गई मेरे। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? कॉन्गो। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बदरपुर मेट्रो, जैसे कि आप देख रहे हो बदरपुर मेट्रो में जा रहा हूँ। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला है 37वां सबसे बड़ा सूरजकुंड मेला। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फरीदाबाद में है बदरपुर मेट्रो, ठीक है। अब ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बदरपुर मेट्रो, ठीक है। तो हम चलते हैं अब सूरजकुंड मेला, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो गाइस बदरपुर मेट्रो से मैंने ऑटो करा है, ये ऑटो 50 रुपये का है और हम जा रहे हैं सूरजकुंड मेला। मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग और कब से कब तक लगा हुआ है ये मेला, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। ओके मिलते हैं गाइस, ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे आ गए, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको टाइमिंग टिकट सब कुछ दिखाता हूँ। ये सूरजकुंड मेला अंदर क्राफ्ट वगैरह सब कुछ दिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, बहुत मजा आने वाला है अंदर, वीडियो में बने रहे, ठीक है। चलो अंदर चलते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी मैम अंदर है, वो बस बाहर आने वाली है, उनकी एग्जिट होगी फिर हम सबकी एंट्री होगी। ये क्राउड देखो गाइस, एंट्री पे क्राउड कितना, थक गया गाइस भाग भाग के। मेरा दोस्त टिकट ले रहा है टिकट काउंटर से, ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे 120 रुपये की टिकट जो है सब ले लेके आ रहे हैं। 120 रुपये की फाड़ के दे देते थोड़ी सी। ये हम पहुंच गए हैं, यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है आज। हाँ जी सर, ये लीजिए सर, ये अच्छा करेंगे। अच्छा ओके सर, ये तो कुछ भी नहीं सर, खाली आया आज तो सिक्योरिटी गलती से जल्दी पास कर ली तो हो गया। देखो एंट्री मिल गई है सूरजकुंड मेला, आपको जल्दी जल्दी दिखाएंगे। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपको अंदर चल के जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। तो ये इसकी जो मेन है, टिकट भी दिखानी भैया आपको? नहीं, बहुत धन्यवाद। इस साइड क्या है भैया, इस साइड होटल है, पूरे दुकान दुकान बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा, और इस साइड में क्या है? इस साइड में पूरी दुकानें हैं, ढाबे हैं, अच्छा दुकान चर्ची बहुत सारी। वो हैंडमेड क्राफ्ट कहाँ से कहाँ मिलते हैं? आगे मिलेंगे आपको। अच्छा आगे राइट में, ठीक है ओके। यहाँ पे कपड़े वगैरह दिख रहे हैं मेरे को, कपड़े वगैरह के लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ राइट में जाते, राइट में भी कपड़े हैं। ये सारे लेडीज के कपड़े हैं, ओ तवे वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, कढ़ाई वगैरह। अच्छा ये लाइटिंग हो रही है रात के लिए, काजू बादाम पिस्ता सब कुछ, ठीक है। पेटीएम भी रखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी है, ऑफलाइन भी है। ये आपके कप वगैरह, केटली वगैरह, हैंड वॉश वाले सिस्टम वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। इनकी दुकान देख लीजिए, घुसते ही है 361-362 है मेरे ख्याल से इनका नंबर, दुकान का नंबर। और यहाँ पे इनकी पैकिंग, अनपैकिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये, अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल है मेरे ख्याल से। कितना बढ़िया है, यहाँ पे सर खड़े हुए हमारे ये सिक्योरिटी के लिए, यहाँ के ये लिखा सूरजकुंड मेला क्राफ्ट 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 फरीदाबाद, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बता दिया है बदरपुर मेट्रो स्टेशन। और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 10 बजे से, मतलब सुबह 10 बजे से 7 बजे तक टाइमिंग है इसकी। ये कितने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस बना रखे हैं ये देखिए, और ये क्या चल रहा है, मतलब ये इनके क्राफ्ट के मेले का ये चल रहा है, ये अंदर ये सब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, नीचे फूड स्टॉल है मेरे ख्याल से, हाँ फूड स्टॉल है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू, ठीक है। पुलिस वगैरह, पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ, कचौड़ी ब्रेड पकौड़े वगैरह मिल रहे हैं, खाने के लिए बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे, खाने के लिए बहुत तरीके के आइटम्स हैं। ये पीछे से इसका व्यू, और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे कितना, मतलब स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नई हो, यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम नेम है करण यादव _ राव, तो आगे जरूर मेरे को फॉलो करें। हम एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते हैं, ये सारे आर्ट क्राफ्ट है आप देख सकते हैं, मैं आपको आर्ट क्राफ्ट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ डांस हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अफ्रीका से इनका स्टॉल है, ये कौन सा स्टॉल है मैं देखता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है, बाकी जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका में आगे बिल्कुल। ये जो इनके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ये गाइस सारे यहाँ पे, ये अफ्रीका से है। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? कॉन्गो। कॉन्गो
फ्रॉम कॉन्गो। और ये मतलब कितना बढ़िया बढ़िया जगह, कितनी देख सकते हो आप। बाकी हैंडमेड क्राफ्ट है यहाँ पे, मेरे ख्याल से डॉल्स हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है, थोड़ी अजीब सी डॉल लग रही है जैसे कुछ हिसाब किताब बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है। देखिए आइटम्स अच्छे हैं सारे, ये हैंडमेड क्राफ्ट है, सारे हैंडमेड है। देखो एक बार ध्यान से, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और ये FC2 है शॉप नेम, जो भी शॉप का जो नंबर है। आर्मेनिया, आर्मेनिया से तो प्यार है यार, आर्मेनिया में देखो कॉन्गो पता नहीं अफ्रीका के लोग खड़े हुए, आर्ट क्राफ्ट है इनके। ये आर्ट क्राफ्ट बना रहे हैं यहाँ पे, आर्मेनिया का लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। आर्मेनिया, आर्मेनिया है एक एशियन कंट्री, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। हालांकि लोग वहाँ पे जो कल्चर है उनका वो यूरोपियन कल्चर है आर्मेनिया में, ठीक है। तो ये थोड़े आर्ट वगैरह है मेरे ख्याल से, क्लॉथ पे डिज़ाइन करा रखे हैं। ये देखिए जैसे कि आप शॉप देख रहे हैं। और ये नेपाल, नेपाल के लिए, नेपाल के लिए गरम गरम आपके सर, व्हाट इज दिस? शॉल पश्मीना। तो देख सकते हो आप कि कितने कितने बढ़िया हैंडमेड क्राफ्ट है यहाँ। सर बैठे हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो हम मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि सब कुछ कैसा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, तो आओ इन्जॉय करो, सब कुछ बहुत बढ़िया हैंडमेड क्राफ्ट है। और यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बना रखे हैं। तो ज़रूर आए यहाँ फरीदाबाद के लिए, यहाँ पे ईवेल आई वगैरह, रिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह मिल रही है गर्ल्स के लिए। तो सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, अलग अलग कंट्री है। बांग्लादेश है, जैसे कि बांग्लादेश में देखिए सारे बैठे हैं, बांग्लादेश के आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी सारे क्राफ्ट वगैरह है, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आपको मैं कह रहा हूँ इंडिया में इस फेस्ट में ज़रूर आना चाहिए, ये सूरजकुंड फेस्ट। और यहाँ पे कितना सब कुछ है देखने को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज़ के आपको दिखा सकता हूँ मैं। थाईलैंड देखिए, थाईलैंड इस साइड, ये थाईलैंड का लगा रखा है हिसाब किताब। ये हो रहे हैं ना, ये ब्लॉगर भाई हमारे। तो जैसे कि आपने देखा कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और आप सब शेफ हो? यस। अरे वाह सही है, तो यहाँ पे एंजॉयमेंट हो रही है, मतलब बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे हिसाब किताब, कितना अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा क्रेज है यहाँ पे। देख सकते हो रश भी अच्छा खासा हो रहा है आपको पीछे से भी। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड, हम इसमें जा सकते हैं वैसे। और इधर के पीछे भी गिरने को हो रही है, नहीं गिरी लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट, ठीक है। ये देखिए तराजू पे बैठे हुए सर, कैन यू प्लीज टेल मी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल है, और इस साइड जो है वो हमारा इंडिया है, ठीक है। और इस साइड अदर स्टेट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब फंक्शन सेलिब्रेशंस। जैसे कि आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। जो जूती दिखाता हूँ, चलो लड़कों की, लड़कियों की, सॉरी लड़कियों की जूती, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस है, आओ यहाँ पे खरीदिए। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है यार, तुम्हारी तो मौज आ गई लड़कियों, क्या बात। Oh my God, नागिन नागिन डांस, कितना बढ़िया हो रहा है यार हिसाब किताब देखिए, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है यार ये सब देख के, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये हमारे इंडियंस है मेरे ख्याल से, ये नहीं है इंडियंस, ये मेरे ख्याल से कौन से देश का झंडा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, फिलीपींस का तो नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसी है। और ये क्राफ्ट दिखा देता हूँ मैं आपको पास से, ये देखिए कैट्स है, ये कैट्स है, सब बना रखे हैं यहाँ पे क्राफ्ट, देख सकते हो आप क्राफ्ट, कितने बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट है यार, बढ़िया बढ़िया मज़ा आ रहा है यार। तो आप भी यहाँ आए, इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ, या फ्रेंड के साथ, या गर्लफ्रेंड के साथ। और ये है आयुष मंत्रालय भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तमिलनाडु टूरिज्म, ये तो बंद है मेरे ख्याल से, ठीक है। और यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है, थोड़ा यहाँ शांत माहौल है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ओ ये शायद हमारे लॉर्ड विष्णु जी हैं,
यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो आए तो थोड़ा ध्यान से आए वरना दिक्कत हो सकती है आपको। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार सब कुछ यहाँ पे, हर चीज़ है यहाँ पे आपको, आपके लिए, आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हो कुछ खाने के लिए भी तो आपको हर चीज़ मिलेगी। क्या क्या चीज़ें मिलती है भैया यहाँ? मतलब बादाम, काजू बादाम, पिस्ता वगैरह सब कुछ मिलता है आपके पास सेहत के लिए जो बढ़िया चीज़ें हैं। तो आप तो इंडियन ही हो मेरे ख्याल से, इंडियन है। आपकी शॉप नंबर कुछ? हाँ जी, अच्छा अभी दिया नहीं है शॉप नंबर, शॉप नंबर, लेकिन आप देख सकते हैं जो गेट है इसके बिल्कुल जस्ट सामने ही है फ्रंट में, और यहाँ बाकी आपके वो लड़कियों के झुमके, क्या बात है। मेरे को किसी ने कहा था कि झुमके चाहिए मुझे, उसको झुमके देने पड़ेंगे क्या, लेकिन ये झुमके नहीं है, ये क्या है दूर तक गल देख लिया तो गन। ओ ये मेरे को, मेरी बहन को बहुत पसंद है तो ये लेना पड़ेगा। तो फिर लेते हल्की सी शॉपिंग करते हैं फिर आपको बताते हैं। और झुमके भी यहाँ पे आप झुमके भी ले सकते हो, मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, जूती झुमके सब कुछ मिले। तो सूरज कुंड मेला जरूर आए भाई, आप कुछ बताना चाहोगे भाई यहाँ के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो? सर बहुत बढ़िया, यहाँ लेडीज का सामान हर सामान मिलता है, हर सामान मिलता भाई जी सर, जो आपको चाहिए ले सकते हैं। अच्छा, और प्राइस मतलब प्राइस क्या है, मतलब महंगा है या सस्ता है, मिडिल है, मतलब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है, तो मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आ सकते हैं? जी सर आ सकते हैं, बिल्कुल मिडिल है, मतलब महंगा नहीं है, हम शॉपिंग कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं कि आप सोचो आने से पहले कि महंगा महंगा नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये इसे क्या कहते हैं आपको पता है? बैंगल्स कहते हैं। बैंगल्स, ये बैंगल्स है, चूड़ी टाइप में बैंगल्स। तो देखिए मेरे को नॉलेज नहीं है चीज़ की, बहुत सारे डिजाइंस रखे हैं गाइस, तो आओ जरूर यहाँ पर, ठीक है। और जो पर्स भी है सर, लेडीज पर्स भी है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज कुंड के लिए, यहाँ जो सेटअप हो रखा है, बैंड है यहाँ पे, अच्छा बैंड आएगा। और ये जो लिखा हुआ है सामने संस्कृति कार्यक्रम और 37वां सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, ये बहुत बड़ा। हाँ जी, तो ये कब स्टार्ट होगा? रात में सर, कल होगा सुबह 10-11 बजे स्टार्ट, 11 बजे। और ख़त्म कब होगा, मतलब कितने बजे बंद होता है? शाम को 6 बजे। 6 बजे, तो देख लीजिए सर टाइमिंग, देख लीजिए आप सारे, और ये टाइमिंग है, आइए इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ध्यान रखिए जब आए तो। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है भैया, क्योंकि हम बहुत देर परेशान हुए इस बारे में, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार टोकने के लिए इस चीज़ के लिए सॉरी। यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, भारत सरकार द्वारा, देख लीजिए दुकान नंबर ये है, और ये कपड़े मिले लेडीज़ के, आप लेडीज़ के कपड़े भी ले सकते हैं, बहुत तरीके के आइटम्स हैं यहाँ, और यहाँ पे इतनी तरीके के सूट्स वगैरह, बहुत बढ़िया जगह है। ये देखिए ये हांडी मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये बोतलें कप वगैरह, और ये तो वही दुकान आ गई जिससे हमने काजू बादाम के लिए बात करी थी। कितनी अच्छी सजावट हो रखी है, लड़कियों के लिए झुमके, जूते, कपड़े, लड़कों के लिए अंग्रेज भी आ रखे, और इंटरनेशनल क्राफ्ट है वैसे भी, तो आपको यहाँ फॉरेनर्स भी दिखेंगे ये सारे, देखिए ये क्रिश्चियन है मेरे ख्याल से, नहीं बांग्लादेशी, आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा सेलिब्रेशन, देखिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा हो रहा है, पब्लिक देख रही है सारी, ये बांग्लादेश स्टॉल के पास हो रहा है। तो कैसा लगा आपको इनका प्रदर्शन कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, मैं आपको डिटेल बाकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के स्टॉल लग रहे हैं, रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं शायद लग रहे हो तो, रशिया, थाईलैंड, लाओस, बहुत सारे तरीके के क्राफ्ट है, देखिए कितने कितने डिज़ाइन है, आपको पसंद आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको, एक बार देखिए ज़रा डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन है, एक नंबर बढ़िया। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, पीपल्स, ज़रा देखिए कितने डिज़ाइन है जो बढ़िया बढ़िया, ये देखिए। तो मैं पीछे से वहाँ से आया था उस साइड से, और अब मैं इस साइड हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह कर रखी है, लाइटिंग कितनी बढ़िया है, और ये कितनी सफाई भी यहाँ पे ओके है, पब्लिक भी ओके है। मैं तो कहता हूँ आप आओ और जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, बहुत मज़ा आ गया मेरे को तो, मेरा दिल खुश हो गया यार यहाँ आकर, तो आप भी आए। देखिए यहाँ पे शायद बढ़िया बना रखा है हिसाब किताब, यहाँ पे बिल्कुल एक्टिंग चल रही है, क्या चल रहा है, ओहो सीनियर्स आ गए। पीछे आप देख ही रहे हैं जैसे महादेव जी के लिए, हर हर महादेव, देखिए कितना बढ़िया बना रखा है, बस बीच में थोड़ा पानी और होता तो बढ़िया हो जाता। ये क्राफ्ट के लिए अब हम आगे आ गए, यहाँ मेरे ख्याल से रशिया का स्टॉल होगा, रशिया का स्टॉल देखते हैं यहाँ पर हम, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हार्ट हैंडमेड क्राफ्ट, ये इंटरनेशनल हैंडमेड क्राफ्ट है, ठीक है, हैंडमेड नहीं है, बहुत मतलब इंटरनेशनल हैंडमेड है। तो आप इंजॉय कीजिए, वाटरफॉल भी यहाँ पे, आप ये भी देखिए यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आगे, तो आप भी ज़रूर आए। ओ राइनो, बहुत बड़ा, और ये क्या चीज़ है देखिए, और राइनो भी है यहाँ पे, बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, बिल्कुल असली जैसा लग रहा है ये तो।
और देखिए ये बैक गेट है एंट्रेंस से, मेरे ख्याल से एग्जिट होता है यहाँ से, लेकिन उस साइड जाएंगे नहीं हम। देख लीजिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए कितने सर खड़े हैं। अब हम इस साइड चलते हैं और आपको आगे और दिखाते हैं। मुझे दिखा विकसित भारत लॉन्ज, तो विकसित भारत लॉन्ज में है आखिर है क्या, एक बार आपको जल्दी से चल के दिखाता हूँ मैं, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। विकसित भारत लॉन्ज में ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे अंदर रूम वगैरह बना रखा है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत के, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा अच्छा ये बुक्स है, जैसे अच्छा अच्छा ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए, ये देखिए इसे, ओह अच्छा ई बुक आ गई, और ये देखिए ई बुक्स जैसे कि सामाजिक सहायता। हाँ जी हाँ जी, ये बुक्स लिखी हुई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। और आप अगर आप आगे कर पढ़ना चाहते हो इसको स्कैन कर लो, ई बुक आपके पास। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का ब्लॉग में से, तो स्क्रीनशॉट लेके जिसको ये बुक पूरी पढ़नी हो आप पूरी रीड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मतलब हमारा जो विकास हो रहा है ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है। ये देखिए ये अलग अलग QR कोड्स है, ये अलग अलग QR कोड्स है, देखिए गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है। अच्छा वो इस पे दिखेगी। हाँ जी हाँ जी, स्कीम कौन सी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसका इस QR कोड जैसे स्कैन करेंगे। हाँ जी हाँ जी, वो पूरा डाटा आ जाएगा और ये पूछेगा कि कौन सी स्कीम के लिए, बताएगा आपको कि कौन आप एलिजिबल कौन सी स्कीम के लिए हो। हाँ जी, और ये है उमंग ऐप, जो हर तरह की स्कीम्स है वो इसमें अवेलेबल है। ओके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए मैं बारकोड आपको दिखा देता हूँ एक बारी, आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और लाभ उठाइए, और गवर्नमेंट की हर स्कीम को जानिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। जनमन सर्वे के लिए भी बोला, जनमन सर्वे कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आपके क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं उनका आप यहाँ पे उनको लिख सकते हैं कि वो कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस इन्फॉर्मेशन के लिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। तो सर के लिए एक बार कमेंट में जरूर थैंक यू लिखिएगा। मैं आपको बाकी क्राफ्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या मतलब थोड़ा सा छोटा सा घर टाइप या महल टाइप है, और यहाँ पे क्राफ्ट है, क्राफ्ट तो मतलब अलग अलग तरीके के। इमरजेंसी एग्ज़िट इस साइड है, लेकिन हमें इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं करनी, तो हम इस साइड जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको बताइए एक बारी, जरा व्लॉग में कमेंट करो यार, बताओ तो सही कैसा लग क्या रहा है तुम्हें। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार ये देखिए कितने सारे क्राफ्ट है यार, मतलब दरियां वगैरह, मेज सोफे सब कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, भाई जेड शीशे टॉयज वगैरह सब मिल रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें देख सकते हो आप, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब कुछ देखो, और जो ये क्राफ्ट्स है ना बहुत मतलब हैंडमेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इसे अपना पूरा घर सजा सकते हैं इससे, और इनका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं आप। आइए चेक कीजिए चीज़ें और परचेज़ कीजिए, इन्जॉय कीजिए सूरजकुंड मेला, घूमिए। और ये अलग अलग तरीके डिज़ाइंस क्राफ्ट वगैरह, ये क्या है, अच्छा तो खाली है। ये देखिए गुजरात के, ये गुजरात के हैं ठीक है। और ये आपका फूड कोर्ट है ठीक है, ये 150 रुपये का है, छोले भटूरे 150 रुपये के ठीक है। यहाँ से आप टोकन लीजिए पैसे दे के, और ये सब आनंद उठाइए इन सब चीज़ों का खाने का ठीक है। साड़ी वगैरह और सब चीज़ें यहाँ पे, इतने ज़्यादा क्राफ्ट है मतलब इंटरनेशनल क्राफ्ट, इंडियन सब चीज़ें, और प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये यहाँ पे बबल, यहाँ कैफ़े वगैरह टाइप है, मतलब कॉफ़ीज़ वगैरह है, हॉट कॉफ़ी क्लासिक कॉफ़ी, मतलब बहुत सारी कॉफ़ीज़ है। और ये मेरे ख्याल से चिली पटेटो वगैरह मोमोज वगैरह है, मतलब ये फूड कोर्ट है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 100-150 के अंदर, ये सब कुछ 200 रुपये के अंदर है, तो 200 रुपये के अंदर है सब कुछ, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, आप आओ खाओ मजे लो ठीक है। कोट्स वगैरह, कोट्स है यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें। ये तो गौतम आगे नाची जा रहा है वीडियो के आगे, मतलब मेरे ब्लॉग से फेमस होना चाहता है क्या वो शायद। तो मैंने अपनी बहन के लिए भी एक गिफ्ट खरीदा है यहाँ से, तो ये उसके लिए सरप्राइज़ है, अगर वो ब्लॉग ना देखे और मुझे पता लग जाए तो। यहाँ फोटोग्राफी भी चल रही है, तो फोटो भी खिंचवाए यहाँ पर, मज़ा आता है, अलग अलग तरीके का हिसाब किताब है यहाँ पर। कितना सुंदर है यार सब कुछ, कितना अच्छा सजा रखा, कितनी अच्छी सजावट है यार, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस।
कितनी बढ़िया जगह है यार, मेरा तो मजा आ गया मेरे को। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जल्दी आओ, एक चीज और दिखाता हूँ, जल्दी चलो जल्दी चलो। हमने सर से पूछा ऊपर जाने की परमिशन है, हम जाके ऊपर फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो ये सेफ है वैसे तो, ध्यान से जाए जब भी आए, ठीक है। ये ऊपर जा रहा हूँ मैं, यही बहुत बढ़िया जगह है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो ये ऊपर से व्यू है यार, कितना प्यारा लग रहा है। अभी सजावट अच्छी तरह हुई नहीं, आज पहला दिन है इसलिए, बट पहले दिन में भी कितना प्यारा हिसाब किताब है यार। और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी किले में आ गए हम, ये किला टाइप लग रहा है। कहाँ जा रही है सड़क यार, अबे कहाँ जा रहे हैं हम, ये सड़क किला कहाँ से आ गया यहाँ पे, ओ यार ये तो बड़ी खतरा। ये हमारे शिवाजी, ये देख सकते हो आप, पहचान गए ना देख के। और ये कैसल टाइप देखे, ये गत्ते से बना रखा है इन्होंने, ये पूरा गत्ते का थोड़ी, एक बार छुके देखूँ, छुके देखता हूँ इनकी दीवारों को कि इनकी दीवारें असली है या नकली। यार दीवारें तो असली लग रही है यार, असली है यार, ठोस। हाँ हाथ में लग गई, मेरे हाथ में लग गई, मैं बाहर आ गया। यहाँ पे एक फोटो क्लिक कराएंगे, ठीक है। मैं वैसे वीडियो में से नहीं निकाल सकता हूँ ये सब चीज़ें, क्राफ्ट का अगर यहाँ से आ रहा है हिसाब किताब, देख रहे हो ना व्यू कैसा आ रहा है। अभी तो बहुत मजा आने वाला है। एमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड्स भी खड़ी कर रखी है यहाँ पे, और सिक्योरिटी तो आपको बताइए बड़ी टाइट कर रखी है इन्होंने, कुछ पूछो ही मत, हालत ही टाइट है भाई। बैग्स वगैरह मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई, मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में मजा आया नहीं आया आपको, मेरे को बताओ तो सही कम से कम। तो कैसे हो भाई? तो बढ़िया। व्लॉगिंग करो तो गोप्रो से करो, गोप्रो 9, ठीक है गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्ड्स भी मिलेंगे, बैंक के लिए ATM, डिस्पेंसरी, गेट नंबर 4, चौपाल, ठीक है। तो ये इसे फॉलो करें, एंजॉय करें। जैसी एंट्री होगी आपकी, आप एंट्री करते देख सकते हैं, गेट नंबर 1 से एंट्री होगी आपकी, यहाँ सारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आओगे तो इस अच्छे से देखना है, इसको मैप को समझना, कहाँ पे क्या क्या है सब कुछ बना हुआ है, बैंक और डिस्पेंसरी, इमरजेंसी के लिए कहाँ जाए, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से देखो, इमरजेंसी एग्जिट सब कुछ चीज़ें देखिए और इन्जॉय कीजिए। एग्जिट करते हुए हमें ये मिल रहा है। तो गाइज इसी के साथ मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, अगर आपको पसंद हो तो बेल आइकन ऑन कर देना। बाय बाय।